आपके घरों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि उस बस्ती की बगल में कुछ अमीरों के मकान है। लगातार सरकारों का कोशिश ये है कि गरीबी को खत्म करने की जगह वो गरीबों को खत्म कर रही है। साथियों, आज जो हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर खड़े हैं, तो एक बात, यहां से हम देश के हुक्मरानों को एक बता देना चाहते हैं कि आपने ये जो बुलडोजर के जरिए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मजलूमों को, मजदूरों को, शोषितों को डराने की ये जो कोशिश आपकी चल रही है, हम उस कोशिश के खिलाफ में यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके हक में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। साथियों, एक चीज ये याद रखने की जरूरत है कि कस्तूरबा नगर के जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? सडनली इनके घरों पर बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं? आप याद कीजिए, आजादी के दौरान जिस तरीके का विस्थापन हुआ था, लोग लाखों की तादाद में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गए थे, लोग आए भी थे, और उसी समय पर कस्तूरबा नगर के लोग भी दिल्ली में आकर के बसे थे, जो आजादी के समय से यहां पर रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोग जिनके घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा है, वो दलित समाज से आते हैं, वो सिख समाज के भी लोग हैं, और गरीब कुंडरवा लोग हैं जो पिछले 60, 70 और 75 सालों से यहां पर रहते आ रहे हैं। वो हर महीने अपना बिजली का बिल देते हैं, हर साल वो प्रॉपर्टी का टैक्स भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनके यहाँ पर आधार कार्ड भी बना हुआ है, उनके पास वोटर आईडी है, वो हर 5 साल में वोट देने भी जाते हैं, उनके वोटिंग राइट्स भी हैं। लेकिन जब उनके घरों की बारी आई तो कह दिया गया कि ये तमाम तरीके के कागजात इनवैलिड है, आपके घरों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि उस बस्ती की बगल में कुछ अमीरों के मकान है, वो अमीरों को आने जाने में असुविधा हो रही है, इसलिए उस बस्ती को खाली करा दिया जाए, ताकि रोड से सीधे उनके घरों तक जो है उनकी गाड़ियां आराम से आ सके और जा सके, इसलिए बस्तियों को तोड़ा जाए। और कोई मकसद नहीं, सिर्फ यही मकसद है कि अमीरों के लिए और माहौल को सुविधाजनक बनाया जाए, और कच्ची बस्ती, और ये कहे कि इस बस्ती के लोगों को यहां से उजाड़ करके कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए, इनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जब लोग इनके यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए, तो बड़े लंबे चौड़े वादे करते हैं, पानी का वादा करते हैं, और तमाम तरीके के वादे इनको किए जाते हैं। इवन हम लोग देखेंगे तो झुग्गी की जगह पक्का मकान देने का वादा तो हम लोग देखते हैं कि इस देश के हुक्मरानों ने भी करके बैठे हुए हैं। केंद्र की सरकार ने जहां झुग्गी वही मकान का एक नारा दिया था, क्या हुआ उस नारे का? आखिर क्यों इनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही, क्यों इनके मकानों को नष्ट किया जा रहा है? इसी तरीके से दिल्ली सरकार को भी देखेंगे, दोनों ने भी कहा था जहां झुग्गी वही मकान देंगे, क्या हुआ उनके वादे का भी? तो पता चलेगा कि गरीबों के मामले में, इन कस्तूरबा नगर के मामलों में पता, दोनों लोग, दोनों सरकारें, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो एक साथ मिल करके इन गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। और इस देश में कस्तूरबा नगर जैसे बहुत से इलाके हैं जहां पर यह सिलसिला चल रहा है। कुछ समय पहले हमने जहांगीरपुरी में यह सिलसिला देखा था, जहांगीरपुरी के साथ साथ शाहीन बाग में भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जहां उन्हें लगता है कि उनके वोट्स नहीं है, या जहां उन्हें लगता है कि उनके वोट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है झुग्गियों को जाड़ करके, तो वहां पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और ये बुलडोजर जो राज है आज की तारीख में इस देश में, हुक्मरानों की हनक का प्रतीक है, एक तरीके से कहिए हुक्मरानों का जो घमंड है उसका सिंबल बन चुका है। गरीबों को इस तरीके से नष्ट किया जा सकता है, कैसे सदियों से आप देखेंगे कि जो हुक्मरान है उन्होंने गरीबों के ऊपर अत्याचार किया, उसका एक सिंबल है। आज की तारीख में देख रहे तो पता चले लगातार गरीबों के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश का खरगोन हो, चाहे असम का टी बागान हो, जगह जगह पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, मेहनतकश मजदूर के ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है। इतना ही नहीं, इस देश का हुक्मरान इस दिशा में इस मुल्क को ले जा रहा है कि जहां गरीबों के लिए रहना, जिंदा रहना ही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट बन जाए,
और वो यही काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का जो गरीबी और अमीरी का जो भेद है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ देख रहे हैं कि इस देश का अमीर है जिसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इस देश की गरीबी भी बढ़ रही है और सरकार लगातार गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है इस देश में। ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले लंबे समय से ये काम चल रहा था कि अमीरों के लिए किस तरीके से माहौल को सुविधाजनक बनाया जाए। आप याद कीजिए 1982 के एशियन गेम्स जब हुए थे दिल्ली के भीतर, तो गरीबों की बस्तियां उजाड़ करके कहां कहां बसा दी गई, उनको भगा दिया गया सेंट्रल दिल्ली से, जिसे आज की तारीख में आप ये पूरी की पूरी पेरिफेरी देखते हैं जो पूरा का पूरा आउटर रिंग रोड है, इसके भीतर जितनी भी बस्तियां थी तमाम बस्तियों को 82 के एशियन गेम्स के दौरान उजाड़ दिया गया। उसके बाद 2010 के दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उस दौरान भी गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई और अब फिर से उन गरीबों को उजाड़ दिया जाए और अब बाहर और धकेला जा रहा है। लगातार सरकारों का कोशिश ये है कि गरीबी को खत्म करने की जगह वो गरीबों को खत्म कर रही है और गरीबों को खत्म करते करते धीरे धीरे उनकी आजीविका के ऊपर चोट करिए, उनके मकानों के ऊपर चोट करिए, उनके सपनों के ऊपर चोट कर रही है। अब देखिए ये लोग कौन है, ये रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ये रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं, ये पटरियों के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने वाले लोग हैं, ये आपके घरों में पूंजीपतियों के घरों में बड़े अमीरों के घरों में गाड़ियां साफ करते हैं, उनका कचरा उठाते हैं, ये वो लोग हैं और आज इन्हीं को अपने घरों से बेदखल किया जा रहा है। तो दरअसल ये घरों को नहीं तोड़ रहे, उनके सपनों को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान में जो आपका हक मिला था उस हक को ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुलडोजर दरअसल आपके संवैधानिक हकों के ऊपर बुलडोजर, और ये जो पूरी की पूरी साजिश है उस साजिश के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट से उनके साथ अपने कस्तूरबा नगर के जो साथी उनके साथ सॉलिडारिटी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।